بیٹا اگلے جمعے کو ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا جشن ہے، پورے خاندان والے اور گاؤں والے سبھی آئیں گے۔ بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کے دل تو ویسے ہی زمانے کی نظر سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ سرکار نے جب بھی بولنے کی اجازت دی، پہلی عرضی بی بی مرشد کے ساتھ صلح کی ڈالوں گی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ معافی تلاش کر رہی ہوں آپ کے قدموں میں۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ کسی کسی انسان کا بس ہونا ہی قصور ہوتا ہے، میرا ہونا ہی آپ کی تکلیف کا باعث بن گیا۔ آپ کے ماتھے کے ایک ایک بال پہ آپ کی یہ کنیز قربان، اسے راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دے، میری بیٹی کو بخش دے۔ اپنے خاندان اور شان جتنا اپنا دل وسیع کر کے ہمیں معاف کر دے۔ وہ چلنے پھرنے جیسی ہوگی تو میں اسے لا کے آپ کے قدموں میں بٹھا دوں گی، پر ابھی اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اچھا میرے پیر تو چھوڑ دو، پہلے آپ کہیں کہ میں نے ملکہ کو معاف کیا۔ چاہو معاف کیا، ایسے ملکہ جو عاجزی تم میں ہے تمہاری بیٹی میں نہیں دکھائی دیتی۔ کیا اس کا باپ بہت شان بان والا تھا؟ ہاں جی، اتنی شان والا کہ میں جچتی نہیں تھی اس کے ساتھ۔ پر اب وہ آپ کی غلام ہے جی، وہ جی سرکار کو اس کا حال دیکھ کے رحم آ گیا جی، اسی لیے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کہ وہ آپ کی اور چھوٹی بی بی مرشد کی برابری کرنے لگے، ہم تو آپ کے غلام ہیں اور غلام آقاؤں کی برابری کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آپ ہماری وجہ سے بڑے سرکار کے لیے دل میلا نہ کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ بہت شکریہ بی بی مرشد، بڑی مہربانی، لاکھ احسان۔ سنو نور افروز اب کیسی ہے؟ بہتر ہے بی بی مرشد،
अभी वो चल फिर नहीं सकते, अभी जख्म भरे नहीं। रात को भी वो डर जाती है, चीखे मार मार के उठ के बैठ जाती है। बीबी मुर्शिद ठीक हो जाएगी बहुत जल्द, अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी कर दी, ऐन वक्त पे सरकार को उनकी भतीजी बीबी राबेल ने आके इतला दे दी। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। कोई मसला हो तो बताना। जो हुक्म बीबी मुर्शिद। अब्बा, अब्बा तू कहाँ रह गया? वही तो पूछ रहा हूँ कि दूसरे गांव में क्या कर रहा है और कब तक वापस आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ अब्बा। अब्बा बस तू मुझे फुप्पी और नूर फिरोज का पता दे। अब्बा तूने खुद फोन पे मुझे कहा था कि तू मुझे आके पता देगा। अब्बा ये दिन मैंने उनके बगैर कैसे काटे हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। यूं ना कर मेरे साथ अब्बा, मैं पूरे मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे जाने दे वहां पे, मैं मना के लाऊंगा उन्हें। बस सब बातें कर रहे हैं, बस तू आज ही वापस आ, बल्कि अभी आ और आके मुझे पता दे। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर हूँ, आपकी दुआ है बीबी मुर्शिद। अरे बैठी रहो बैठी रहो, मेरे लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर आप तो हमारी मुर्शिद हैं। तुम कब से पीरी मुरीदी को मानने लगी? तुम तो बागी थी। बस कभी कभार किसी वाक्य की कुट आपको समझाने के लिए काफ़ी होती है। अम्मा कहती हैं आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं बच गई। हाँ लेकिन ये सब कुछ हुआ भी तो मेरी गलती की वजह से। बड़े सरकार ने सारी गलतियों का जाला कर दिया है और आपने भला मुझे जान के थोड़ी भेजा होगा। आप मुझे चल के देखने आई यही बहुत है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अम्मा कह रही थी कि आपको मुझसे नाराज़गी है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हम जल्दी चले जाएंगे, बस एक हफ्ते तक। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग? अब तो तुम्हारी शादी करके ही भेजेंगे तुम्हें। तुम्हें पता है गुड्डी ने तो तुम्हारे लिए कल के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीबी मुर्शिद। देखो मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची मुझे माफ कर देना। और मैंने आज तक जो भी गुस्ताखियां की हैं उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कल खुशी का दिन है, अच्छे से तैयार होकर आना।
गुड्डी बीबी, आप नीचे अपने रिश्तेदारों में जाएं, वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा। उफ़ो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, आप जाएं जी। गुड्डू, प्यारी लग रही हो तुम। हाय, काश बड़े सरकार मुझे भी अपनी बेटी बनाते तो मैं भी रानी लगती। अरे नूर अफरोज, तुम भी फूल पकड़ो, अपने एहराम सरकार आ रहे हैं। नहीं, तुझे याद है जब पिछले साल पीर एहराम आए थे, मुझे कहते फिरते थे तुम मेनू बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है मैं तेरे साथ ब्याह कर लूं। कोई नहीं, उनका प्यार तो हर साल बदल जाता है। पिछले साल मुझे कह रहे थे मैरो तेरी शादी ताई अम्मा ने करके मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। बहुत मजाकिया है एहराम सरकार,
हमसे तो हंस बोल लेते हैं, यही काफी है, वरना वो कहाँ हम जैसों से शादी करेंगे। ये तो बहाने हैं, सबके दिल लगे होंगे। तुझे क्या पता, ये बड़े सरकार जैसा नहीं, पीर सालिया जैसा सरकार है। नूर अफरोज, तू तो सबसे पहले अपनी जान बचा। पीरी मुरीदी में सब जायज होता है, हमारा काम है मालिकों के काम आना, और ये इनकी मर्जी है कि वो हमसे क्या काम लेते हैं। वैसे तूने बड़ा ही सियापा डाला हुआ, इतनी पैंतरी, वो भी मालिक के लिए। तेरी जैसी कई आई कई गई, कोई रोती गई तो कोई हंसती गई तो कोई उठला के
पर तेरे जैसी मुर्दा नहीं लाके कोई नहीं गई। अरे पगली, ये तो यहाँ होता रहता है, तो पहले कहाँ रहती थी? और अगर फिर भी कोई ये हिम्मत करने की कोशिश करे तो बहादुर बनकर पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ ऐसे देखना कि वो खौफजदा हो जाए। ओह माय गॉड बिनफ्शे, कितना हैंडसम है पीर अहराम। अब खानदानी रिवायात के मुताबिक ये तुमसे शादी करेगा या राबेल आपी से? अब जाहिर है तुम दोनों ही उसकी चचा जाद हो, तो पहला चांस तो तुम दोनों का ही है ना। यार काश तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए, कितना अच्छा लगेगा तुम दोनों का कपल। पर बात सुनो, मेरी दादी बता रही थी कि तुम्हारी दादी ने पीर अहराम की मंगनी बचपन में तय कर दी थी राबेल के साथ और तुम्हारी पीर सालिया के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी पता नहीं किस जमाने की बातें कर रही हो यार। बनफ्शे भरा पीर सालिया के साथ थोड़ी अच्छी लगेगी, वो तो इसके साथ अच्छी लगेगी। क्या पता पीर अहराम इसे सिलेक्ट कर ले। हाँ भाई, अल्लाह करे वो इसे ही चूज कर ले। ओहो कैसी बातें कर रही हो। हमसे तो मिले ही नहीं आप। पता नहीं आप हमें पहचानते भी हैं या नहीं। मैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं आपको पहचानता हूँ। आप रफीक अंकल की बेटी सारा है और आप सीमी आंटी की बेटी तारा। आप तो पूरे खानदान को जानते हैं। ऑफ कोर्स मैं पढ़ने गया था, कोई खानदान को छोड़ के थोड़ी गया था। और ऐसा भी नहीं कि किसी की मैं खैर खबर ना रखूँ। आप हर साल आता हूँ और जब भी आता हूँ तो कोई ना कोई फंक्शन जरूर अटेंड कर लेता हूँ। आपका अपनी कजन के साथ झगड़ा है क्या? कौन सी कजन? आपकी ये वाली कजन। आप सबसे मिले लेकिन इनसे नहीं मिले, हम तो समझे आपकी कोई दुश्मनी चल रही है। ये तो हमेशा मुझसे आके सबसे पहले मिला करती थी, आज ना जाने क्यों चुप हो गई, दूर खड़ी है। एक्सक्यूज मी, गुडी, नाराज हो क्या? नहीं, आप सबसे मिलने में इतने बिजी थे कि मेरी तरफ देखा ही नहीं। अरे मेरी जान, तुमने सबको कहना था ना कि हट जाओ मेरे रास्ते से, अहराम सबसे पहले आके मुझसे ही मिलेगा। मिस यू सो मच। वो सब खादमाइयों पर वेट कर रही हैं, तो चले मिलने के लिए? हाँ हाँ श्योर, चलो चलो। अरे चलो। इतने बड़े हो गए, तुम्हारा बचपना नहीं गया है। अम्मा मैं इनको मिलवा दूँ राजमाओं से। हाँ हाँ मिलाओ, चलो चलो चलो। अरे सकीना, आप अपनी खबर सुनाएं, सुनाएं आपने शादी करी। आपको कैसे पता चला? हाय रखता था ना खबर। जिस पे दिल आ जाए उसकी तो खबर रखनी पड़ती है। सारी दुनिया से लड़के तुमसे शादी करता, लेकिन ताईजान ने मुझे बताया कि तुमने शादी का फैसला कर लिया। कैसी बातें करते हैं सरकार। हाय रानी, तुम तो बहुत वफादार हो, मुझे यकीन है तुमने मेरा इंतजार किया होगा। नहीं सरकार, मुझे बड़ा इंतजार था आपका, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप मेरी शादी में लाजमी शिरकत करेंगे। नहीं ये नहीं हो सकता रानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं कितनी आस लेके पाकिस्तान आया था। सो बिस्मिल्लाह सरकार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खैर हमारे सरकार। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो? मैं जुबैदा छोटे सरकार। जुबैदा? जुबैदा तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी, तुम्हारा रंग बिल्कुल गोरा मेरी तरह, ये देखो। सच बड़े सरकार। अच्छा मुझे ये बताओ,
ABC आती है तुम्हें? जी सरकार। चलो सुनाओ फिर। ए सरकार, बी सरकार, सी सरकार, डी सरकार। बस 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 काफी है। वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। छिछोरी कहेंगी, इसकी हरकतें तो देखो। जब से मुझे देखा है नफरत ही बरसा रही हो, हालांकि तुम्हारी प्लेट अभी तक फूलों से भरी हुई है। Let me guess your name. तुम्हारा नाम होना चाहिए अंगारा। चलो हार पहनाओ, और भी खड़ी है राहों में। नूर अफरोज, हार पहनाओ। ओ, तो इसका नाम नूर अफरोज है, हमारी रिश्तेदार है। नहीं पर वो, हाँ तभी मैं सोच रहा था कि मैंने पहले कभी इस चेहरे को नहीं देखा, अगर देखा होता तो कभी भूलता ना। चलो हार पहना। ओके मैं तुम्हें हार पहना देता हूं, चूंकि मैंने तुम्हें पहली दफा लकी महल में देखा है, मैं तुम्हें वेलकम कहता हूं। ये तो है ही ऐसी गुस्ताख, अभी तो बड़े सरकार ने इसे अपनी बेटी बना लिया है, तो ये और भी अकड़ में आ गई है। खुद को सचमुच बड़े सरकार की बेटी समझ बैठी है। सुबैदा चुप कर जाओ तुम। मैं क्यों चुप करूं जी, ऐसी छोटी जात के लोगों को अगर इतना बड़ा रुतबा मिल जाए ना तो खुद से बाहर हो जाते हैं ये। अभी देखा नहीं आपने छोटे सरकार की कैसे तोहीन करके चली गई है ये। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुझे मेरे असवन की, घर आया मेरा परदेसी। क्यों गुनहगार करते हैं सरकार, आप हमारे मुर्शिद हैं, हम लोगों की जगह आपके कदमों में। मैंने भी सुना है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, मैं उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान, लकी महल का चराग आ गया। कितना याद किया आपने मुझे, आपको भुलाया ही कहाँ, आपको गोद में उठाने के बाद तो अम्मा काली अपनी बेउलादी का गम ही भूल गई। मैंने भी आपके प्यार से पहुंचे माँ बाप के गम में बाहर जाने वाले आंसू। आप मेरी अम्मा काली हैं, सिर्फ मेरी। जी नहीं, अम्मा काली सिर्फ मेरी है। तुम्हारा किराया खत्म हुआ, अब असल मालिक आ गया है, ये मेरी अम्मा काली है। वो पुरानी बात थी, आप गए और मेरा कब्जा हो गया। मैं कब्जा भी छुड़ाना जानता हूँ। अच्छा ऐसी बात ही, तो फिर छोड़ के क्यों गए। लो मैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए गया था, तुम्हारी तरह थोड़ी कि तुम्हारे पीछे ताया सरकार भाग भाग के तुम्हें गाड़ी के अंदर डाला करते थे और जबरदस्ती स्कूल ले जाया करते थे, और फिर इसकी बातें कि मैंने स्कूल नहीं जाना, अब्बा जी मुझे स्कूल नहीं जाना, और सारे रास्ते इसकी रीनी सुनते जाओ। अम्मा काली आपको याद है जब ताया सरकार ने इसके छुपाए हुए पर्चे ढूंढ लिए थे। वो सारे पेपर जिनके अंदर ये फेल हो जाती थी उनको छुपा लेती थी, और जो पर्चों में पास होती थी वो दिखा दिया करती थी। और सुनाओ आजकल हालात जरा बेहतर हैं तुम्हारे,
तो फैसला ये हुआ कि अम्मा काली सिर्फ मेरी हैं, लिहाजा तुम अपना कोई अब दूसरा बंदोबस्त कर लो। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, अम्मा काली सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अम्मा काली आप सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं ना? वो दोनों को ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बचपन से ही इसी तरह रो धो के अपनी हर बात मनवा लेती है। अब ऐसा नहीं होगा। देखे तो कैसे मुझे घूरे जा रही है। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आया हूं। तो फिर अम्मा काली हो जाए फिर इजहार मोहब्बत जरा खुलकर। हाँ मेरा चंदा सरकार, अम्मा काली सौ जान से फिदा अपने सरकार पर। देखा, सुन लिया तुमने, अम्मा काली सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। तुम हार गई, हार गई तुम। ओ थैंक यू अम्मा काली, आप सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। देखा अम्मा काली अब तुमसे प्यार करने वाली नहीं, उनका बेटा लौट आया है। इसलिए अब तुम्हारी छुट्टी, अब सिर्फ मुझसे प्यार होगा, मुझसे पीर एहराम बख्त से प्यार होगा। क्यों अम्मा काली? अरे रुको गुड्डी, मैं मजाक कर रहा था। क्या है राम सरकार, आपने आते उसे तपाना शुरू कर दिया। अम्मा काली जाने दें, उसे भी पता चलना चाहिए कि पीर एहराम बख्त आ चुका है। बख्त सुभान यहाँ आओ। जी मैं हूँ। मेहरबान और उसके घर वाले नजर नहीं आए, खैर तो है? हाँ वाकई था सरकार, वो लोग नजर नहीं आ रहे। मेरा भी ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा है, क्यों नहीं पहुंचे वो? और पीर साले भी एयरपोर्ट नहीं आया। अरे मामी जी यहाँ खड़े खड़े क्या बातें कर रही हैं आप, चलिए चल के बैठते हैं, आइए। मैं मेहरबानों का पूछ रही थी, सारी बरादरी आ गई है, मेहरबानों वाले नहीं है, कुछ नाराजगी है क्या? नहीं मामी जी, कैसी नाराजगी, नाराजगी तो कोई नहीं है। तो फिर क्या बात है, आखिरकार वो इस घर की बहू है, तुम्हारी बहन है, हम इस घर के बड़े हैं। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा लेकिन तुम हमेशा टाल गई, अगर कोई बात है तो खुलकर बताओ। मामी बात यह है कि हमने उन्हें बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो शर्त रखी थी वो मैं पूरी नहीं कर सका। कैसी शर्त? वो शर्त ये थी कि पीर साले को भी लक्की महल में आने की इजाजत दी जाए। पीर साले इस घर का बच्चा है, तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि वो इसी काबिल है। सो मैंने ये शर्त रखी कि पीर साले लक्की महल में कदम नहीं रख सकता। पर क्यों, तुम्हारा खून है, हकदार है इस लकी महल का, तुमने ये ज्यादती क्यों की? उसने जो किया है उसकी ये छोटी सी सजा मेरी बहुत बड़ी ज्यादती है। इस जिक्र को खत्म करें प्लीज, जो बात पर्दे में है उसे बेपर्दा ना होने दिया जाए तो बेहतर होगा। चलिए ना चल के बैठते हैं, आइए। सकता रानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं कितनी आस लेके पाकिस्तान आया था। तुम्हारी
तुम्हारा रंग बिल्कुल गोरा मेरी तरह, ये देखो। सच बड़े सरकार। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? डर रही हूँ। मुझे भी डर लग रहा है। तो मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ डरती हूँ। आपको किससे डर लग रहा है? वही जो अभी अभी आया है। वो बहुत बुरा है। पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत बुरा लगा है वो। ईसालिया जितना वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? गुड्डी, आज तो जाना बनता है मेरा। पीपी जी, इस वक्त जश्न चल रहा है वहां पे। यही तो वक्त है मुंदरी वहां जाने का। तो किससे हुई तुम्हारी शादी? जी था कोई। मैं तुम्हें सिखाता हूँ दादागिरी क्या होती है।